बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकरम, मैं हूं अज़हर अब्बास और आप देख रहे हैं अज़हर जतोई टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी ज़ीशान रोगड़ी के हवाले से है। दोस्तों, यकीनन ज़ीशान रोगड़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोस्तों, ज़ीशान रोगड़ी सरायकी सिंगर शफाउल्ला रोगड़ी के बेटे हैं। दोस्तों, ज़ीशान रोगड़ी के हवाले से आए रोज़ सोशल मीडिया पर खबरें चल रही होती हैं कि ज़ीशान रोगड़ी ने शादी कर ली है, वो भी फ़िज़ा अली के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, क्या ज़ीशान रोगड़ी ने फ़िज़ा अली के साथ शादी कर ली है, क्या वो शादी करने वाले हैं या ऐसे ही सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि ज़ीशान रोगड़ी की फ़िज़ा अली के साथ कोई शादी नहीं हुई, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और दोस्तों, ज़ीशान रोगड़ी के हवाले से ये भी सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि ज़ीशान रोगड़ी ने भागकर फ़िज़ा अली के साथ शादी कर ली है। दोस्तों, जब ज़ीशान रोगड़ी ने ये खबरें सोशल मीडिया पर सुनी और ये कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि मेरे हवाले से ये झूठी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। दोस्तों, उन्होंने मज़ीद कहा है कि इंशाल्लाह मैं अब बहुत ही जल्द शादी करने वाला हूं, वो भी मैं अपने कज़न के साथ शादी करूंगा। ऐसी कोई खबरें नहीं है जो फ़िज़ा अली के हवाले से हैं, ये सब खबरें बेबुनियाद हैं, सब झूठी हैं। दोस्तों, याद रहे कि सोशल मीडिया पर आए रोज़ किसी न किसी की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। जैसे कि पहले ही से ऐसे ही एक खबर चली थी कि शेख रशीद अहमद की भी शादी हो गई है, लेकिन वो खबर भी झूठी निकली थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।